भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा प्रगतिशील किसानों को अंगवस्त्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि किसान सम्मान दिवस के अवसर पर जनपद के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया है तथा किसानों को शासन के द्वारा चल रही कृषि, मत्स्य, पशुपालन सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई है तथा किसानों का फीडबैक भी लिया गया है। उन्होंने कहा, जिस तरह प्रगतिशील किसान सम्मानित हो रहा है, उसी तरह से अन्य किसान भी कार्य करते हुए सम्मानित हो। इस अवसर पर खजनी विधायक संत प्रसाद सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद तथा खजनी विधायक संत प्रसाद ने कहा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाती है, माननीय विधायक के द्वारा और अध्यक्षों द्वारा उप कृषि निदेशक गोरखपुर जिला कृषि आंदोलन रहते हुए गोरखपुर द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर करके प्रशस्ति पत्र उनको देते हैं। विकास खंड स्तर पर जितने भी किसान भाई चयनित हैं, 66 हैं करीब, उनको 2,000 रुपया उनके पंजीकृत बैंक खाते में ट्रांसफर करके प्रशस्ति पत्र यहाँ पे प्रदान करते हैं। सर, इस बार एक हर्ष का विषय यह है कि जनपद के चरगावा क्षेत्र के एक किसान जो जनपद में जिन्होंने गेहूँ में सर्वाधिक उत्पादन लिया था करीब 82 क्विंटल पर हेक्टेयर, वो प्रदेश में तीसरे नंबर पे चयनित हुए हैं। वो लखनऊ गए हैं और उनको वहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है राज्य स्तर पे। इसी तरह से एक महिला समूह है श्रीमती शुक्ला जी, उनको भी उनके उत्कृष्ट काम के लिए वो खजनी की है, उनको भी लखनऊ भेजा गया है, वहाँ पे वो सम्मानित हो रहे हैं। इस पुरस्कार योजना का उद्देश्य किसानों को सम्मानित करना तो है ही है, साथ में एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत करना है ताकि जो आज यहाँ पुरस्कृत हो रहे हैं उनको उनके कार्यों को देख के, उनके पुरस्कार को देख के जनपद के अन्य किसान भाई भी प्रेरित हों और कृषि क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि हो, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन हो, फल सब्जी या फल की खेती हो, पशुपालन हो, दुग्ध उत्पादन हो, मछली पालन हो, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसमें और बेहतर काम करके जनपद अपनी तो तरक्की करेगी, साथ में जनपद के में भी अपना योगदान, जनपद के विकास में योगदान दें और कृषि क्षेत्र में किसानों का जो सम्मान है वो और बढ़ सके। चेयरमैन उत्पाद संघ, मेरे साथी अधिकारीगण, डीडी एग्रीकल्चर साहब, जिला कृषि अधिकारी, सभी कृषि से जुड़े हुए अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित हमारे जनपद के गौरव सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस पावन अवसर पर। सर्वप्रथम पूरे जिला प्रशासन की ओर से जनपद के सभी नागरिकों की तरफ से पिछले रबी में और खरीफ में जो आपके मेहनत और परिश्रम का परिणाम रहा है कि उत्पादकता और अन्य मानकों में जनपद गोरखपुर में अभूतपूर्व परिणाम मिले हैं। वैश्विक महामारी के बावजूद आपके कमर तोड़ मेहनत ने इस तरह के परिणाम दिखाए। मैं इस मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद आभार। और आज के इस अवसर में पूर्व प्रधानमंत्री जी के इसको श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए हम नमन करते हैं। साथ ही साथ इस गोष्ठी के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हम पूर्व सभी कृषि से जुड़े हुए विभाग प्रशासन की ओर से सभी किसान भाइयों को आश्वस्त भी करना चाहेंगे और कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले कि शासन के मंशानुरूप अभी रबी के लिए खाद बीज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, कहीं कोई समस्या आती है तो हमसे
तक संपर्क में रह सकते हैं, और अगर कहीं पे टैगिंग या ओवरराइटिंग हो रही है तो निसंकोच आप निडर होके बात अपने पास रखिए। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिएगा, 94-44 पर्याप्त मात्रा में प्री पोजिशनिंग और सुनियोजित तरीके से व्यवस्था की गई है। कुछ दिक्कतें बीच में आई थी, लेकिन त्वरित रूप से शासन से उसमें पैरवी करके वहाँ खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, समितियों में भी उपलब्ध है। कृपया संपर्क स्थापित करते हुए अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से हम सबसे संपर्क स्थापित करें। माननीय अर्पण अंग और प्रगति पदे का सम्मान, दूसरे किसान गेहूं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है आपको, चलिए और आगे बढ़िए। दूसरे किसान संतराम सिंह द्वितीय पुरस्कार गेहूं में ही द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। उद्यान से दयानंद चौरसिया जी और श्रीमती मधुरिका सिंह, मैं आप सभी हाल में बैठे हुए साथियों से अनुरोध करता हूं, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दुग्ध विकास से श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री अवनीश कुमार सिंह गोविराम अतुल नारायण राय, अतुल नारायण राय बिशनपुरा बांसगांव से, इसके बाद मत्स्य पालन से कुमार, माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक जी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ सर। पालन से मुर्गी पालन में बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्राप्त हुआ है। दानिश अली हरपोल जी ने परिवार में भी आखिर जी इनको प्रथम पुरस्कार, दो महिलाएं उद्यान से ही आदर्श जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित। अभी आपने सुना श्रीमती शकुंतला देवी उद्यान चरगावा से फूल गोभी पर द्वितीय पुरस्कार 5000 पुरस्कार, और अच्छा उत्पादन करिए आगे। और फिर माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक द्वारा आपको सम्मान दिया गया, और किसानों की मसीहा अवसर पर जो किसान दिवस रूप में मनाया जाता है उस पर आपको सम्मान मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसका सम्मान प्राप्त करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्तम कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। माननीय विधायक जी जैसे नाम तस्वुर, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे देश में किसानों को सम्मानित किया जा रहा है जो अच्छे उत्पादन किए हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर आज किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें किसानों से, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, मछली नहीं, कृषि से संबंधित जितने उत्पाद हैं उनको अच्छी जानकारी के लिए यहाँ पर शिविर भी लगाया गया, उसके जानकारी के लिए उन्हें कैसे अनुदान मिलेगा, कैसे आप करें जिससे अधिक से अधिक आपका लाभ हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो नारा है किसानों की आय दुगनी की जाए, वो कैसे साकार होगा इसे के विषय में बताया गया। फिर और ये भी आश्वस्त किया गया कि आगे जो कठिनाइयाँ होंगी बैंकों से संबंधित, अन्य अधिकारियों से संबंधित, उसका भी समाधान किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फसल बीमा, पशुपालन बीमा, कृषि बीमा, ये सब आप लोग करें जिससे आपका लाभ, आपकी आय दुगनी हो। क्रम में आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर जनपद के सबसे प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत कराया गया है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी गोष्ठी हुई है जहाँ विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में और अभिनव प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई, और यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में सबको पुरस्कृत कराया गया और विभिन्न चीज़ों के बारे में चर्चाएँ हुई हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, कृषि से जुड़े हुए योजना हो, अन्य योजनाओं में, और किसानों का फीडबैक भी लिया गया, और बहुत अच्छे माहौल में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और जैसे हमारे प्रगतिशील किसान आज पुरस्कृत हो रहे हैं, उसी तरह अन्य किसान भी विभिन्न योजनाओं में आच्छादन होते हुए अभिनव प्रयास अपनाएं, इसी के लिए आज आग्रह भी किया गया।